नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैथ के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में उचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात आई उचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उचित भिन्न समझ लेते हैं होता क्या है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए 4/7 लिखाओ, ठीक है, तो ये दोस्तों उचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, मतलब हर से अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हर से क्या हो, अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये उचित भिन्न होता है। तो आप इसमें देखिए 3/5 हर से छोटा है ना, 5 से छोटा है 3, मतलब अंश जो है हर से छोटा है, तो ये आपका उचित भिन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, और जिसका दोस्तों जैसे 5/3 लिखा है, जिसका हर से अंश ज़्यादा हो वो अनुचित भिन्न, ठीक है दोस्तों, या मिश्र भिन्न कह सकते हैं। मिश्र भिन्न दोस्तों ये जैसे होता है 1/2 लिखा है, ठीक है, तो ये दोस्तों मिश्रित भिन्न होता है। और अनुचित भिन्न को भी तो हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो हम मिश्रित भिन्न भी कह सकते हैं उसे, और अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आपकी उचित भिन्न क्या होगी, 3/5 ये आपकी अनुचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, ये आपके अनुचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, 9 देखिए 3 से बड़ा है, मतलब हर से बड़ा है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये मिश्र भिन्न है क्योंकि ये सही में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात दोस्तों, ये आपकी मिश्र भिन्न है और ये आपकी अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है और ये आपका उचित भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। तो उचित भिन्न क्या होती है दोस्तों, मतलब हर से क्या होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, वह उचित भिन्न है। और जस्ट लाइक इसी का उल्टा, मतलब क्या, अंश हर से अंश बड़ा हो तो अनुचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, और सही के रूप में लिखा हो तो वह क्या आपका दोस्तों, सही के रूप में लिखा हो तो क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि माना m और n दो पूर्ण संख्याएं हैं और m की पावर n इज इक्वल टू 121 है। ठीक है, तो n की पावर m का मान क्या होगा। तो दोस्तों m की पावर क्या लिखा हुआ है, n, तो यहाँ पे देखिए पावर के रूप में लिखा है, तो इस वाले नंबर को भी हम पावर के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है 11^2। तो इसका मतलब यह पता चला कि n की वैल्यू कितनी है, भाई पावर को पावर से देखेंगे और आधार को आधार से देखेंगे, तो n बराबर क्या है, 2 है, और m बराबर कितना है, 11। ठीक है, तो पूछा क्या हमसे कि n की पावर m न, तो इसका मतलब n की जगह कितना रखेंगे, 2, और 2^ m की जगह 11, तो 2^11 का मान क्या होगा। तो 2^11, तो इसको लिखा जा सकता है 2^8 × 2^3, 8×3 = 11। ठीक है, 2^8 बोले तो 256, ठीक है, गुणे 2^3 का मतलब 8, इसको गुणा कर रहे होंगे तो 2048 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, कर लीजिएगा गुणा। ठीक है दोस्तों, तो आपका 2048 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2/3 और 3/5, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है, मतलब ये पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। तो इसका मतलब है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले बड़ी भिन्न बतानी होगी, पता करनी होगी, और सबसे छोटी भिन्न पता करनी होगी। तो दोस्तों बड़ी छोटी पता करने के लिए ना हमें कुछ बहुत बड़ी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए 2/3, 3/5 ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, 5/8 लिख लिया। अब उसके बाद कुछ ना करिए, अंश में आप ऊपर एक जीरो चिपका दीजिए, चिपका दिए ना, बिना सोचे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको भाग करिए 3/6, भाई देखिए अब नीचे जीरो, 3/6 यहाँ पे ऐसे लिख दें, 3/6 दशमलव लगा के लिखेंगे, 3/6 = 18। ठीक है, कितना बचा, दशमलव लगा के लिखेंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव लगा के लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 3/6 = 18, बचा कितना आपका, बचा कितना आपका, बचा 2। ठीक है, फिर जाएगा कितनी बार, 3/6 = 18, बस बहुत है। ठीक है, 2 अंक तक ले गए। अब इसको करते 5 × 5 = 36, ठीक है, दशमलव लगा के 6। अब पूरा पहाड़ा चला गया तो आगे जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको बात करते हैं तो 8 0 8 6 48, ठीक है, 6
बचा, बचा आपका दो, ठीक है, और 8 × 2 = 16, ये आया, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर आपका 66 वाला दिख रहा है ना, सबसे बड़ा ये, और उसके बाद सबसे छोटा 60 वाला दिख रहा है। भाई 62 तो बड़ा है ना 60 से, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न ये होगी और सबसे छोटी भिन्न ये होगी, क्लियर है बात। तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी होगी, 2/3 है ना, और सबसे छोटी भिन्न कितना होगी, 3/5, 3/5। अब पूछ क्या रहा था हमको कि बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब इसका 5 × 2 = 10, ठीक है, -5 × 15/15, सॉरी 3 × 3 = 9 होगा, यहाँ पे 3 × 3 = 9, ठीक है, 3 × 3 = 9, तो कितना आएगा, 10 में से 9 निकाल रहे होंगे 1/5, ये आपका अंतर हो गया, ठीक है, 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यह है कि 2.3 × 2.3 फिर प्लस 0 मतलब 3 3 लिखा हुआ है, तो 0.33 × 0.33 -0.66 × 2.33, तो ये लिखा है, मतलब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ देखिए 2.33 लिखा है ना, तो यहाँ भी 2.33 लिखा है, मगर उसके बाद एक नंबर और लिखा के आ गया 0.33, ये 0.66 लिख उठा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है -2 × 0.33 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2.33 लिखा है, ऐसे लिखा रहने दें। अब इसके देखिए ये आपका देखिए बन क्या रहा है कि सेम नंबर है, भाई हम कह रहे थे कि ए बराबर, हम मान लेते कि 2.33 को मैं ए कह लेता और बी किसको कह लेता, 0.33 को मैं बी कह लेता, क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखिए ए इंटू ए, भाई आप इसको ए बोल रहे हैं तो ए इंटू ए बनेगा ना, तो बनेगा क्या ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 0.33 की जगह बी लिखते हैं, बी इंटू बी क्या बनेगा, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे ए आपने 0.66 को ऐसे लिखा, ठीक है, 0.6 को ऐसे लिखा, तो आप क्या लिखेंगे, तो 2ab, यही तो बना। तो आप देखिए आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिखते क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो लिखते हैं। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह आप क्या क्या है 2.33 माइनस बी की जगह कितना 0.33 का होल स्क्वायर, यही तो। अब घटा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, घट जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्लियर है। तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है किसी संख्या के है ना 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या, जो संख्या है उसका 1/4 क्या होगा। देखिए मैं मान लेता संख्या क्या है, एक्स है, और के का कहाँ जो भी आता है, के का जो भी आता है उसकी जगह पे हम गुणा यूज़ करते हैं, गुणा कर लिया, फिर क्या लिखेंगे 3/4, मैंने संख्या क्या कहा एक्स है, फिर का के की जगह पे हम गुणा लिखते हैं 3/4, फिर का गुणा लिखे, फिर 2/3, फिर लिखा 24 के बराबर है, तो यहाँ पे बराबर 24 लगा दीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। भाई 3 से 3 कटा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कटा, 2 नीचे आपका है तो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा 24 × 2 = 48, ठीक है, तो एक्स बराबर आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, तो 24 × 2 = 48। तो फिर कह रहा है कि संख्या का ना, तो संख्या आपकी कितनी आई 48, मतलब 48 का के जगह पे गुणा, और कितना 1/4 निकालना है, तो 1/4 लटका दीजिए नीचे, 4 से 4 काट, मतलब 4 से 4 = 4, 4 × 2 = 8, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, मतलब इतना पूरा नंबर दिया है, ठीक है, एक पूरी संख्या लिखी हुई है। अब कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल मतलब ऐसे भाई अंडर रूट, ये तो पूछा है भाई, इसका अंडर रूट निकालना हमें। अब अंडर रूट निकालना है
तो अब एक बात समझिए, चलिए थोड़ा समझाते हैं। अब देखिए 11, 11 का वर्ग क्या होता क्या है भाई, 121। अब मैं पूछ लेता 111 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोल रहे होते 1 2 3 2 1। आप लिखते लिखते समझ जाएंगे। देखिए मैं पूछ रहा होता 1111 का वर्ग क्या होता, तो आप बोलते 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, मैं पूछ रहा होता 11111 का वर्ग क्या होता, तो आप बोलते 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर। अब ये बात समझिए, अभी पूछता कि भैया 121 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलते 11। ठीक है, अब पूछता 12321 का वर्गमूल कितना होता, तो 111 बोलते। ठीक है, अब इसका मैं वर्गमूल पूछ रहा होता तो आप बोलते 1111 होता। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जितने कितने एक हैं, 3 एक है ना इस वाले में, देखिए आप इस वाले में 3 एक है ना, तो आपने 1 2 3 तक नंबर लिखे, फिर उसके बाद क्या करा, घटते हुए क्रम में 3 के बाद 2 1, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर स्टॉप करना है। ठीक है, 1 2 3 तक लिखा, फिर 2 1। ठीक है, अब इसमें 4 एक हैं, देखिए इस नीचे वाले में 4 एक हैं, तो 1 से लेकर 4 तक गिनती, फिर 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर बात। अब इसमें 5 एक है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर बात। अब हम यहाँ पे देखिए नंबर लिखा गया, तो आपका इसका पूछा जाता तो आप भाई 5 तक लिखते, भाई 5 तक गिनती लिखी है शुरू में, देखिए 5 गिनती लिखी है 1 से लेकर 5 तक, तो 5 1 वही उसका आंसर हो जाता, वर्गमूल वही हो जाता ना। तो अब इसमें देखिए 1 से लेकर कितनी गिनती लिखी, 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये उसका वर्गमूल हो जाता, 7 बार 1 लिख दे तो ये आंसर हो जाता। तो देखिए 7 किस में है भाई, देखिए इसमें देखे 3 3 6 1 7, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाता। क्लियर है बात। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।